जब जैसे गणेश चतुर्थी के कितने दिन पहले से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो? तो अंकल आप इतने साल से यहाँ पर हो तो क्या ट्रेंड देख रहे हो आप, क्या माहौल देख रहे हो आप इस साल का? मुझे आपसे बस इतना पूछना है कि सबसे बड़ी जो गणेश जी की मूर्ति है वो कहाँ बैठती है? चितारोली में आपका स्वागत है। हेलो हाय गाइस। हेलो हाय सर, आइए ना। आपका नाम? नवीन चंद्रशेखर काजमेला। एंड आप यहाँ पे पेंट ये बनाते हैं मूर्तियाँ? मूर्तियाँ बनाते हैं। ओके, मुझे आपसे बस इतना पूछना है कि सबसे बड़ी जो गणेश जी की मूर्ति है वो कहाँ बैठती है? हिल टॉप पर। और उसकी कितनी हाइट होती होगी? 21 फीट है हाइट, अभी इस बार 18 फीट हो गई है। ओके ओके। सर आपका नाम? बादल बावने। ओके, और आप कब से मूर्तियां बना रहे हैं? मैं फिर भी हो गए 5-6 साल। और आजकल लोग पीओपी वाली मूर्ति प्रेफर कर रहे हैं या मिट्टी वाली? मिट्टी वाली। तो यहाँ पे ज्यादा किसी मिट्टी वाली बनती मिट्टी वाली है। और आप खुद भी मिट्टी वाली बनाते हैं? थैंक यू। तो फिर एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगता है? हफ्ता भर कम से कम, अगर धूप ने साथ दी जाए तो। छोटी मूर्तियाँ बड़ी? छोटी मूर्तियाँ बड़ी मूर्ति, बूढ़ी मूर्ति मतलब 5-6 फीट, 4-5 फीट तक, उससे बड़ी 10 फीट रही तो फिर 2 हफ्ते में हो जाएगा, अगर धूप एकदम सॉलिड रही तो, नहीं तो फिर 1-1.5 महीना चलते रहता धीरे धीरे धीरे। तो मैं यहाँ देख रही हूँ सारी मूर्तियों पे ना फेटे हैं। तो अंकल आप इतने साल से यहाँ पर हो तो क्या ट्रेंड देख रहे हो आप, क्या माहौल देख रहे हो आप इस साल का? इस साल का माहौल ऐसा हो गया है कि फेटे वाली मूर्तियाँ ज्यादा पसंद कर रहे हैं आज के जनरेशन के लोग। तो पहले हमने करके देखे थे, थोड़ा सा करके देखे थे, अभी मूर्तियों को फेटे, छोटी मूर्ति भी वैसी है, बड़ी वाली मूर्तियों को भी फेटाई। तो आई मीन अभी फेटे वाली मूर्तियों का ट्रेंड चल रहा है काफी। ये आपने ही बनाई है ना आप दोनों ने? ये इतनी बड़ी मूर्ति आपने कितने दिनों में बना ली? ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में पूरा 1 दिन लगता है। फिर उसके बाद अपन जो तनस बोलते हैं, घास बोला जाता है जिसको हिंदी में, उससे बांधने में 1 दिन, मतलब कुल मिला के उसको खड़ा करने में 4-5 दिन लगते ही हैं। और बाद में फिर जब तक वो सूखेगी उसके बाकी की प्रोसेस चालू होती है। ये जगह 350 साल पुरानी है। राजा रघुजी राजे भोसले द्वारा स्थापित की गई है। आपका नाम? रमेश आसरे। ओके, और जब जैसे गणेश चतुर्थी के कितने दिन पहले से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो? 2 महीने पहले से। 2 महीने से? 2 महीने से पहले देवी बनाना पड़ता है, देवी 50 देवी रहती है। अच्छा। तो पहले आधी देवी बना के गोडाउन भेजते हैं, उसके फिर गणपति चालू करते हैं, तो 7 महीने से 1 तारीख से चालू कर देते हैं। अच्छा, यानी प्रॉपर 2 महीने तो आपको प्रिपरेशन में लगी जाती है। पूरा। आज काफी सारे कारीगरों का घर है। चितारोली का मतलब लेन ऑफ पेंटर्स। मोरिया।